पसंद आया बहुत यार, जबरदस्त लुक है इसका। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग PSG फैमिली, ये आपको सब नया लोकेशन दिख रहा होगा। यहाँ से तुंगरेश्वर जाने का रास्ता है जो मुझे बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है और कुछ निशान भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इतना निशान होता जाने का, और पानी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूछ लिया, बोला कि लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बाइक, मुझे जाना है डिकैथलॉन। तो यहाँ पे देखिए, ये इस बार लगता है अच्छा बनाया है, पहले ऐसा नहीं था। मुझे जितना याद है उतना ऊंचा तक तो ये नहीं था। अब घर से इतनी दूर आ गए हैं और मालूम पड़ता है कि डिकैथलॉन बंद है, तब तो इतना गुस्सा आता मैं बता नहीं सकता। मजा आ जाता है भाई बारिश में राइड करने में, और ये ऑफ एक्सपल्स का मजा बहुत शानदार है। जब ये होती है क्वालिटी, अच्छी चीज। यहाँ पे आते ही ना भूल गया मैं कि अब मुझे लेना क्या है। बस हाथ में एक जैकेट लिया है मैंने और देख रहा हूँ क्या ले सकता हूँ मैं। सो अब देख रहे हैं ये वाली चेयर मुझे लद्दाख के टाइम पे लेना था, ये बहुत कंफर्ट चेयर है। तो अगली बार मैं अगर लॉन्ग राइड का प्लान करूँगा ना, तो भाई ये वाली चेयर लूँगा जो कि इस पूरे बैग में आ जाता है, और प्राइस 299। ये चेयर बेस्ट है, ये मतलब इतना आराम देता है कि आप आराम से बैठ के चिल आउट मार सकते हो, और अब बैक को भी सपोर्ट मिल जाता है ना, अच्छा है ना ये। तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है 3000, लेकिन ये बेस्ट है। यस, इतना बेस्ट है ये, तो एक टाइम के लिए सो भी सकते हैं यार, ये ठीक है। और बस इतने से बैग में आ जाता है ये देखो, कूल ओनली 299। एक ही सामान लेके इसमें घूम रहे हैं, सोच रहा हूँ कि आज मैं वाला टेंट भी उठा लूँ जो यहाँ पे है 2 पर्सन। इस बार लद्दाख में बहुत काम आया था ये वाला टेंट, लेकिन अभी तो लद्दाख राइड नहीं है, सो मानसून के बाद सोचेंगे ये वाला टेंट या फिर एक ये वाला टेंट। इसका शेप बहुत अच्छा लगा मुझे, बट ये भी बहुत बेस्ट है, लो प्राइस है, 2000 में मिल जाता है ये वाला टेंट जो वहाँ पर, देखिए ये साइज़ में आता है, ये रहा, और यहाँ पर इसका प्राइस है 199। समझ नहीं आ रहा है शूज लूँ कि ये जैकेट लूँ, कंफ्यूज। सो अपने टोकरी में एक और शॉर्ट पैंट ऐड हो गया है, जो छोटा वाला है, ये जिम के टाइम में काम आएगा बहुत। और जब मैं लद्दाख गया था तो ये वाला कार्गो लिया था, इसका प्राइस अभी 1999 हो गया है। सो बेस्ट, मैं एक और कार्गो ढूंढ रहा हूँ, अच्छा कार्गो मिल जाए। सो वैसे तो मुझे ये वाला, अरे अरे भाई तू क्यों गिर रहा है, तू ऊपर जा। वैसे तो मुझे ये वाला शू बहुत पसंद आया, बहुत यार ज़बरदस्त लुक है इसका, मज़ा आ गया, लेकिन थोड़ा बजट के बाहर गया तो हमने ये वाला शू लिया है। ये बजट में है, और ये नेक जो मैं पुराना वाला यूज़ करता हूँ ये उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मैं जिम के लिए रेगुलर के लिए ये शू यूज़ करूँगा, बेहतरीन है, अगली बार ऐसा कुछ शू लेके जाएंगे, मस्त है एकदम। 5 बज गए, अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए क्योंकि सफ़र लंबा है और जिम भी जाना है, कुछ खाना भी है बाहर। बहुत ज़्यादा टाइम चले गया अंदर, और शू लिया, एक पैंट लिया, हाफ पैंट लिया, और एक प्यारा सा जैकेट लिया। सबसे मेन तो अपना शू था, शू के लिए हम यहाँ पे आए थे क्योंकि डिकैथलॉन का शू मुझे बहुत पसंद है। फर्स्ट टाइम मैंने जब लिया था उसके बाद ही मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, तो डिसाइड कर लिया था कि डिकैथलॉन से शू लूँगा मैं। यस, तो चलो यहाँ से 5:15 हो रहा है, अब पता नहीं कब तक घर पे पहुँचेंगे। बाहर से कुछ खा के अभी से चलना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। अभी आप देखने वाले हो हमारे बेबी टाइगर का कमाल, क्योंकि इससे आगे जो हाईवे है वो हाईवे नहीं है,
वो फुल ऑफ रोडिंग हो गया, इंडिया का बेहतरीन ऑफ रोड मुंबई अहमदाबाद हाईवे फाउंटेन ब्रिज के आगे। यस, मेरे जीवन में ना एक चीज़ की बहुत कमी है, वो है पानी। मैं ना पानी बहुत कम पीता हूँ यार, मतलब इतना आलसी में, मतलब सबसे ज़्यादा आलसी ना मैं पानी पीने में लगाता हूँ। अब ये पता नहीं आदत कब ठीक होगा, इसलिए एक बोतल पानी पिया यहाँ पे। तो वड़ा पाव खाएंगे, बॉडी बनाएंगे, फिर जिम जाएंगे। हाँ, ज़्यादा टाइम यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी इस रोड पे, बहुत शानदार बारिश हुआ था, मज़ा आया था। लेकिन अभी घर पे वापस जब जा रहे तो थाने से बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रेनकोट पहन के रखे कि कहीं भी इतने लंबे सफ़र में कहीं भी दो चार बूंदे बरस गई तो पूरा बदन भीग जाएगा। तो वड़ा पाव खा के प्रोटीन मिल गया थोड़ा सा, चलते अब आगे बढ़ते हैं। अंकल जा रहे, समझ जाओ। ज़्यादा पानी भरा पड़ा है यहाँ पे भाई, बहुत तगड़ी बारिश थी, पूरा पानी भरा पड़ा है। ओहो, जब यार ये गाड़ी आ सकती है तो ये क्यों नहीं जा सकती है, या क्या बात है। आया भाई, मतलब आज बारिश बहुत मस्त हुआ है। ये वाली चीज हम लाने गए थे कल थाने, वहां से हम ये शू लेके आए हैं। हमें डी के लोन का शू बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, और आपने देखा भी मुझे कौन सा शू पसंद था, लेकिन हम ये लेके आए। और यहाँ भी लिखा गया है वाटरप्रूफ। ओके, तो ये जो शू है वाटरप्रूफ है, मैंने अभी जस्ट देखा कल लेते टाइम, ये मैंने नाम देखा नहीं था, बस मुझे ये थोड़ा डिज़ाइन अच्छा लगा और इसका ग्रिप बहुत बढ़िया लगा, तो ये मैं लेके आ गया। ये कुछ 2500 में आया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं जैसे आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये डीकैथलॉन का बहुत पुराना शू है मेरे पास, 2019 में जब ले लद्दाख गया था, दिल्ली के डीकैथलॉन से लिया था। तो एक ही बार पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं अच्छी चीज़ में कि लंबा चले, तो बहुत क्लास चीज़ है। अभी भी देखिए इसका ग्रिप कितना मस्त है, सो बहुत सही चीज़ है। कल इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, बारिश में चले गया बस ये चीज़ लेने के लिए। मतलब अब क्या कहे यार, वो वैसे कुछ, मतलब ये चीज़ लेना बहुत ज़रूरी था मेरे पास, क्योंकि ये एक ही बचा हुआ था, बाकी दो तीन थे वो ख़राब हो गए थे। तो अब ये जो है ये 2-in-1, मतलब मेरे दोनों तीनों काम में आएगा। मैं इसमें इसको पहन के राइड भी कर सकता हूँ, इसको पहन के राइड पे भी जा सकता हूँ, बाकी कहीं भी काम। और मैं बहुत ज़्यादा घिसता हूँ, मतलब इस चीज़ को, मतलब इसको ना मैं कहीं भी पहन के जा सकता हूँ, ऐसे एकदम मल्टीपल काम करता है वो। तो ये चीज़ लाने चला गया था मैं, और गणपति पप्पा जब से आए हैं तब से बारिश धनाधन आ ही रहा है, मज़ा आ रहा है, बरसों 10-15 दिन बरसों, मतलब जाने का टाइम तो आ गया है। अब मुझे लेना है एक दूसरा ग्लव, जो पहला वाला ग्लव से वो लेदर का है, वो ख़राब हो जाएगा, तो एक ऑफ रोडिंग के लिए ग्लव लेना। बाकी जैकेट हो गया, सूट हो गया, जैकेट हो गया, पैंट हो गए अपने पास, और शू हो गए। ग्लव्स लेने जाता लेकिन वो दुकान ही बंद था उस दिन, कॉल ही नहीं लग रहा था उसका, तो नहीं ले पाए। फिर कभी और मिलते हैं जल्दी दूसरे व्लॉग में गाइस, बाय बाय।